नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर छिपकली आप लोगों के घर में या आप लोगों के शरीर पर पोटी कर देती हैं या फिर वो मल या मूत्र त्याग देती हैं तो इसका संकेत क्या होता है, क्या इसे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। दरअसल हिंदू धर्म में और कई सारे धर्मों में छिपकली को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत कहने को कहा जाता है। छिपकली कुछ भी करती हैं तो उससे पहले आपके शरीर में टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो इससे भी कोई ना कोई भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में आपको बताती हैं। वैसे में छिपकली का मलमूत्र गिरने से क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से हम जरूर विनती करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को ज्योतिष से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें पता हो सके। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर आपने दीपावली की रात छिपकली घर में देखी है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह आपके आने वाले समय के लिए सुख समृद्धि और कई प्रकार के महत्वपूर्ण कामकाजों का और जीवन में उन्नति को पाने का वाहक माना जाता है। जब कभी भी हमारे घरों में दीवारों में छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा आप चावल उस पर छिड़क दें। ऐसा करने से मन की किसी भी मुराद मन ही मन बोले या आप लोगों की कामनाएं पूरी होंगी। आइए आपको बताते हैं कि आपके शरीर के किस अंग पर गिरने से छिपकली का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा और इसका मलमूत्र अगर आप लोगों के शरीर में गिरे या घर में गिरे या कहीं पर भी स्पर्श करे तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें, अगर आप लोगों के माथे पर छिपकली गिर जाती है तो आप लोगों को बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करवाती है। बाल पर अगर छिपकली गिरे तो जीवन में अगर कोई संकटें चल रही हैं तो वह समाप्त हो जाती हैं। परंतु कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर छिपकली बाल पर गिरे तो वह उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करवाती हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में उनको संघर्ष करना पड़ता है। परंतु अगर आप लोगों के घर में छिपकली का मल मूत्र या पोटी गिर जाए तो दोस्तों छिपकली का यह संकेत आपके जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दोनों की ओर इशारा करता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि छिपकली का आप लोगों के घर में मलमूत्र गिरना यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह ना तो ज़्यादा शुभ होता है और ना ही ज़्यादा अशुभ होता है, इससे मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती है। वैसे में अगर छिपकली मलमूत्र कर देती हैं तो दोस्तों आपको एक उपाय ज़रूर करना है ताकि आप लोगों के जीवन में समस्याएं कम हो सके। वो उपाय है, आप लोगों को मन ही मन सभी देवी देवताओं को माफी यानी क्षमा मांगकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बिना किसी सोच विचार के आप इस कार्य को करें। दोस्तों आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंदुवा।